एक बार परमेश्वर के संगति में एक बार मिलके आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर खोला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन में हम लोग कलीसिया के बारे में हम लोग देख रहे थे, कलीसिया के फाउंडेशन के बारे में, नहीं तो कलीसिया की जो फाउंडेशन जो है उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो देख रहे थे कि यीशु मसीह ही है फाउंडेशन के बारे में हम लोग देख रहे थे, और परमेश्वर की वचन फाउंडेशन बना हुआ हिस्सा को हम लोग देख रहे। तो हम लोग देख रहे थे पहली पत्रस उसकी दूसरी अध्याय उसकी 6 से लेकर 8 वचन तक, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 6-8। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहले पत्रस दूसरी अध्याय 6 से 8 वचन तक। आमेन आमेन आमेन। पवित्र शास्त्रों में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। yes. तुमके लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए परमेश्वर के धन्यवाद। यहाँ पे पत्रस के द्वारा लिखा गया आप वचनों में देख सकते हैं जीवन वाला पत्थर के बारे में लिखा गया है, और उस जीवन वाला पत्थर को परमेश्वर क्या किया, कलीसिया के साथ योगदान करवा दिए, नहीं तो मिला दिए, नहीं तो कलीसिया के साथ सौभाग्यता दिलवाए। इसलिए यहाँ पे उसकी 6वीं वचन में बताया गया कि उसका 6वां वचन दो कर हाँ देखा ना, वो बहुमूल्य पत्थर, चोसन एंड वैल्यूबल स्टोन। हाँ, और जो कोई उस पर विश्वास करता, और जो कोई भी उस पर विश्वास रखता तो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। इसलिए आज सुबह एक चीज मैं बोलता हूँ, अगर फाउंडेशन यीशु मसीह में है तो कभी भी हमें लज्जित होने की जरूरत नहीं होगी। हमारा विश्वास यीशु मसीह में है, हम कलीसिया के साथ जुड़ित हुए हैं, कदापि परमेश्वर हमें लज्जित नहीं करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन ले करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह खुद है। हेलो, उस चीज के बारे में पत्रस अच्छी तरीके से बता रहा है, क्योंकि पत्रस को अच्छी तरीके से मालूम है। मत्ती लिखित सुसमाचार 16:18 के हिसाब से पत्रस को अच्छी तरीके से मालूम है कि कलीसिया की स्थापक, कलीसिया की फाउंडेशन, नहीं तो कलीसिया की शुरुआत, नहीं तो कलीसिया को वृद्धि करने वाला व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं है, उसके पीछे काम करने वाला व्यक्ति कौन है, परमेश्वर है। उस विषय के बारे में पत्रस अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए पत्रस फिर से कलीसिया को इसी चीज को दोहरा के बता रहा है, क्योंकि पत्रस को अच्छी तरीके से मालूम था कि लोग परमेश्वर के ऊपर आश्रय नहीं होकर पत्रस के ऊपर आश्रय करने वाले रीति से बदल जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है ना, बहुत सारे कलीसिया हैं वो लोग यीशु मसीह को उतना गुरुत्व नहीं देते हैं, मगर पत्रस की सेवकाई को बहुत गुरुत्व देते हैं। तो उनको बताने के लिए पौलुस बता रहा है कि अगर उसकी दूसरी अध्याय पहले वचन में अगर देख सकते हैं तो उसकी पहले वचन क्या बोल रही है, 2:1। इन सबको क्या करने के लिए बोल रहा है, दूर करने के लिए, रिड, गेट रिड फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये किसको बोल रहे हैं, कलीसिया के सदस्य को ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी पाते पाते इनका आश्रय यीशु मसीह से दूसरे चीजों के ऊपर आधारित होना शुरू किए। उस समय पत्रस बोल रहा है, हेलो, तुम लोग इन चीजों को छोड़ दो, तुम अपना फाउंडेशन को एक बार याद करो, रिमेंबर द फाउंडेशन विच जीसस ले, जो यीशु मसीह ने फाउंडेशन डाल के रखा है उसको फिर एक बार याद करके देखो, रिमेंबर इट वंस मोर। इसलिए उसके 6वें वचन में क्या गया, लुक आई ले ए स्टोन इन ज़ायन, ए चूजन एंड वैल्यूबल स्टोन, चुना गया और बहुमूल्य पत्थर, वो यीशु मसीह हमें बनाए, यीशु मसीह के साथ हमें रखवाए, यीशु मसीह का ही खुद है फाउंडेशन, कलीसिया की फाउंडेशन खुद यीशु मसीह में ही है।
इसीलिए यीशु मसीह में वैल्यू है, इसीलिए यीशु मसीह हमें चुने हैं तो हमें हमारे अंदर भी वैल्यू है। इसीलिए अपने जीवन को वैल्यू ना होने वाले चीज़ों के साथ मिलावट करके अपनी आत्मिक जीवन को नष्ट ना करो, कलीसिया को विनष्ट ना करो, कलीसिया की सौभाग्यता को नष्ट ना करो। उस चीज़ के बारे में पत्रस क्या कर रहा है, विवरण दे रहा है। हेलो, उस चीज के बारे में पत्रस फिर से दोहरा के बता रहा है। इसीलिए जो कोई परमेश्वर को विश्वास करता है वो कदापि क्या नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा। Whoever trust in the Lord, they shall never be disappointed। उनका एक्सपेक्टेशन कभी भी उनको लज्जित नहीं कराएगा। हेलो, परमेश्वर के ऊपर हमारा एक एक्सपेक्टेशन है कि परमेश्वर मेरे लिए ये करेंगे, वो सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए नियुक्त रीति से करेंगे। इसीलिए पत्रस फिर से याद दिला के बता रहा है, स्टार्ट रिलाइंग ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर के ऊपर आश्रय होना शुरू करो, परमेश्वर को विश्वास करना शुरू करो। जो जो फाउंडेशन परमेश्वर डाले हैं उसमें बने रहो, बी इन दैट सोर्स। हेलो, उस फाउंडेशन में बने रहो, उस फाउंडेशन से कभी भी दूर मत हटो। उस चीज पत्रस क्या कर रहा है, कलीसिया को फिर से याद दिला रहा है। इसीलिए उसके सातवां वचन में बताया गया, देखो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, यस, तो बहुमूल्य है। क्या है, दिस इज प्रेशियस वैल्यू। हेलो, क्या बहुमूल्य वाली है, जो परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान है, जो परमेश्वर के एक्सपेक्टेशंस है, परमेश्वर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है। नहीं तो परमेश्वर के ऊपर सबको क्या है, एक्सपेक्टेशन है, उनको परमेश्वर कभी भी लज्जित नहीं करते। इसीलिए वो व्यक्तियों को परमेश्वर क्या किया, प्रेशियस वैल्यू, बहुमूल्य। हेलो, जो कोई परमेश्वर के विश्वास कर रहे, परमेश्वर की वचन को विश्वास कर रहे, नहीं तो उद्धारी का सोर्स जो पाए हैं वो बहुमूल्य है। अगर हम कलीसिया के फाउंडेशन में हैं, हम अगर यीशु मसीह के फाउंडेशन के साथ मिले जुड़े हैं तो हम कौन हैं, वी आर वैल्यूबल, हमारा वैल्यू है। सोना को सोने का वैल्यू पता नहीं चलता, मगर सोने बनाने वाले को सोने का वैल्यू मालूम है। हेलो, सोने को सोने का वैल्यू मालूम नहीं, मगर सोने को जिस व्यक्ति बनाता है, नहीं तो जिस व्यक्ति उसको आकृति देता है, जो व्यक्ति उसके ऊपर डेकोरेशंस करता है, उसको मालूम है सोने की वैल्यू क्या ही है। इसीलिए पत्रस फिर से याद दिला के बोल रहा है, तुम यीशु मसीह के फाउंडेशन पे बने हो, तुम्हारा फाउंडेशन कलीसिया में मजबूत बनी है। अगर परमेश्वर वैल्यूवान है तो तुम भी खुद वैल्यूवान हो, यू आर प्रेशियस। तो अब सोचना पड़ेगा, जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते उनका क्या है। देखिए उसके सातवीं वचन, और हेलो, ठेस लाने वाली पत्थर और लोगों को क्या करने वाली, ठक्कर खा के गिरवाने, जो विश्वास नहीं करता। और जो कोई विश्वास करता वो उनके लिए क्या बन गया, वो एक बिल्डिंग बन गया। हेलो, इट बिकेम ए कॉर्नर स्टोन एंड इट डेवलप्ड इनटू ए बिल्डिंग। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के ऊपर आधारित है वो यीशु मसीह के कॉर्नर स्टोन के साथ मिलकर वो एक बिल्डिंग बनकर जब खड़ा हो गया, जो विश्वास नहीं करता है, जो परमेश्वर के ऊपर आश्रय नहीं करता है, वो क्या बन रहा है, वो वैसा पत्थर बन रहा है जो लोगों को गिराने के लिए। हेलो, लोग क्यों गिरे हैं, क्यों गिर रहे हैं लोग, अविश्वास के कारण लोग गिर रहे हैं, क्यों लोग डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों लोग अपने जान ले रहे हैं, क्यों लोग दूसरों का जान ले रहे हैं, क्यों लोग दूसरों को नष्ट करने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि उनका भरोसा, उनका विश्वास क्या हो गया, टूट गया। उनके लिए सब कुछ स्टंबलिंग ब्लॉक बन रहा है, क्यों,
वो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते। इसलिए जो कोई परमेश्वर को विश्वास नहीं करता है, सबके साथ उसका प्रॉब्लम रहेगा। ही विल हैव प्रॉब्लम विद एवरीवन। इफ ए पर्सन डस नॉट बिलीव द लॉर्ड, ही विल हैव प्रॉब्लम ऑन एनीवन। सबके विरुद्ध उसका समस्या रहेगा, वो अपना खुद का विरोधी रहेगा। इसलिए पत्रस फिर से दोहरा के बोल रहा है, प्लीज फाउंडेशन में वापस आ जाओ, कलीसिया के साथ जुड़ित हो जाओ, कलीसिया के फाउंडेशन में मिल जाओ, कॉर्नर स्टोन्स के साथ मिल जाओ। वो तुम्हारे जीवन में क्या ला सकता है? हर प्रकार की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा। तुम्हें लज्जित होने नहीं देगा परमेश्वर, कदापि लज्जित होने नहीं देगा। हेलो। इसलिए पत्रस याद दिला रहे, क्योंकि कलीसिया के अंदर ही लोग दो कैटेगरी के हैं, एक विश्वास करने वाले, दूसरे अविश्वास करने वाले। अविश्वासी विश्वासी बनता है क्या? विश्वासी अविश्वासी भी बन सकता है, वो खुद के ऊपर है। एक अविश्वासी विश्वासी बन सकता है, एक विश्वासी एक अविश्वासी भी बन सकता है, वो खुद के ऊपर डिपेंड होता है। बहुत सारे लोग अपने कलीसिया के जीवन में नहीं तो आत्मिक जीवन में दिन बाय दिन कितने तो आत्मिक से आत्मिक बन रहे हैं, कितने तो आत्मिक से अनात्मिक बन रहे हैं, कितने से अनात्मिक से आत्मिक बन रहे हैं। ये तीन कैटेगरी है, आत्मिकता से और अधिक आत्मिकता, आत्मिकता से अनात्मिकता, अनात्मिकता से अधिक आत्मिकता। इन तीन चीजों का अंतरता कहां पे? एक व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है। इट्स अ पर्सनल चॉइस। हेलो। इसीलिए हमारा आश्रय, विश्वास, भरोसा परमेश्वर की ओर से क्या नहीं होना चाहिए? निकल नहीं जाना चाहिए। इट शुड नॉट डिविएट। वो कभी भी डिविएट नहीं होना चाहिए। एदन के वाटिका में कितना दिन आदम और हवा थे? हेलो। एदन के वाटिका में आदम और हवा कितने दिन जिए? हैं? आदम अपने जीवन में कितना साल जिया? 900 कुछ साल जिया, 939 आई थिंक सो। एक बार उत्पत्ति का किताब देखो, जेनेसिस। उसका चौथवा, माफ करना, पांचवा अध्याय, पांचवा अध्याय उसका चारवा वचन, सॉरी पांचवा वचन। हेलो, कितना साल जिया? 930 साल। अभी से 930 साल में, ये उसकी मौत की बात है। ऐसा है तो ये इसके मौत से पहले कम से कम ले लो 100 साल तो दिया होगा, नहीं तो 1 साल तो दिया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ साल तो वाटिका के अंदर जिया। वाटिका से वो अलग होने के कारण क्या है? अविश्वास और कुछ नहीं। हेलो। वाटिका से, एदन से, एदन की वाटिका से आदम और हव्वा निकाल दिया जाने का कारण क्या है? अविश्वास। क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करके किसके ऊपर विश्वास करना शुरू किए? किसके बातों को विश्वास करना शुरू किए? शैतान की शैतान की बातों को।
तो हमें सोच लेना चाहिए, शैतान एक दिन में आके उनसे परीक्षा लिया क्या? हेलो, एक दिन बस आके बात करके चले गया क्या? नहीं, बहुत दिनों से वो बात करने लगा। वाटिका में इनका काम क्या था? उधर देखभाल करने का, पानी डालने का, जो कुछ भी जरूरी है उन सब चीजों को वाटिका के अंदर रुककर करने के लिए। और उनका रेस्ट का टाइम कब था? जब परमेश्वर उनके निकट आते थे तब उनका रेस्ट का समय था, और सातवां दिन उनके लिए रेस्ट का टाइम था। मेरे साथ हो? वो उनका रेस्ट का समय, विश्राम का समय। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, संध्या के समय में, तो शाम के समय है कि सुबह के समय मता नहीं, क्योंकि बाइबल अगर पढ़ते हैं तो इसराइलियों का रिवाजों के हिसाब से हमारा टाइमिंग और उनका टाइमिंग अलग है। हेलो, हमारा टाइमिंग और उनका टाइमिंग अलग है। तो परमेश्वर इनको क्या कर रहे थे, उनके टाइमिंग के हिसाब से संध्या के समय में, शाम के समय में आकर उनको मिलते थे, तो अब उनको रेस्ट था। तो बाकी टाइम पूरा वो लोग क्या थे, बाकी पूरा टाइम इनका क्या काम था, देखभाल करना। तो वो लोग रेस्ट नहीं थे, नहीं तो काम में व्यस्त थे, काम में व्यस्त थे। और परमेश्वर जब आते थे तब उनको रेस्ट मिलता था, उनको क्या तसल्ली मिलती थी वचन से। परमेश्वर उनको क्या करते थे, प्रोत्साहन उत्साह देकर उनको क्या करके थे, बढ़ा के रखते थे। ऐसे परिस्थिति में शैतान कब आने का शुरुआत किया, रेस्ट के समय में आना शुरू किया या काम के समय में आना शुरू किया? काम के समय में ऑब्वियसली। इसलिए वाटिका में आदम को सहायता करने के लिए कौन था, हव्वा थी। तो शैतान का तंत्र देखो, शैतान ने किसको पकड़ा, हव्वा को पकड़ा, हव्वा को डाइवर्ट करवाया, नहीं तो हव्वा को आदम से अलग करवाया। समझ में आ रहा है, सेपरेटिंग ईव फ्रॉम एडम, आदम से। अरे एक उदाहरण बोलता हूं, दो व्यक्तियां चल के जा रहे हैं, उन दोनों को अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो उन दोनों को हम अलग कर सकते हैं? हम कुछ भी करके हम दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। बस उनका क्या कहना, नजर को डाइवर्ट करना पड़ता है, नजर को, उनके फेलोशिप को डाइवर्ट करना पड़ता है, उनके मिलाव को डाइवर्ट, उनकी दोस्ती को अलग कर। अगर कर दिए हम जीत गए। तो मेरे बोलने का मतलब, परमेश्वर के फाउंडेशन से, कलीसिया की फाउंडेशन से हमें अलग करने के लिए कौन है, शैतान तैयार है। शैतान कलीसिया के अंदर आके डांस नहीं करेगा, कलीसिया के अंदर आकर कुछ नहीं करेगा। शैतान कहां का क्या काम करेगा, बाहर रुककर हमारी नजर को डाइवर्ट करवाएगा। समझ में आ रही है? हेलो हेलो, हमारा नजर को डाइवर्ट कर। इसीलिए ना दूसरी अध्याय पहली वचन में क्या बोलता है, पहली पत्रस दूसरी अध्याय पहला वचन, Praise you, Jesus. पहली पत्रस दो का एक। हेलो, हाँ, सब प्रकार का, हाँ, और हाँ 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 हेलो, ये सब किसके चीजें हैं? विश्वासियों के अंदर ये शैतानिक तत्व कब आ गया, डाइवर्ट हो गए। हेलो, उनका सोच विचार ये हो गया कि कलीसिया है
आना है जब आना है, रविवार के दिन आएंगे, शुक्रवार के दिन आएंगे, बाकी दिन जाओ, हमारा काम हमारा धंधा। हेलो, परमेश्वर रेस्ट के समय जब दिए थे तब तो थे, वेरी गुड। जब उनको काम करने का था, उन काम करने का वक्त में ही शैतान क्या किया, डाइवर्ट किया। When Adam and Eve were working, that's the time when Satan used to divert their mind. मेरे साथ में हो? उनको डाइवर्ट करवा दिया। ऐसे ही कलीसिया की फाउंडेशन में रुके हुए विश्वासियों, नहीं तो परमेश्वर के फाउंडेशन के, परमेश्वर के कॉर्नरस्टोन्स के साथ मिले हुए लोगों को शैतान आज भी क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। इसीलिए पत्रस बोल रहा है डोंट गेट डाइवर्टेड, तुम अपने आप को डाइवर्ट मत करो, उस डाइवर्ट करने वाले चीजों से अलग रुको, गेट रिड, सेपरेट रुको। ऐसे ही बोल रहा है ना उसकी दूसरी वचन की पहली वचन में क्या, इन चीजों से तुम दूर करो। दूसरी वचन निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते, अरे बच्चा बढ़ने के लिए क्या चाहिए, दूध चाहिए। आलतू फालतू दूध देने से फायदा नहीं, कैसा दूध, प्योर मिल्क। तो इनका क्या हुआ, ये लोग मिल्क पीने के लिए आते नहीं थे, समझ रहे हो मेरी बात, ये लोग फेलोशिप नहीं आते थे, दूध नहीं पीते थे, ग्रो नहीं कर रहे थे। हेलो, इसीलिए इनके अंदर क्या आ गया, शैतान की सब कुछ का औजार इनके अंदर काम करना शुरू किया। इसीलिए चौथवी वचन में क्या कह गया है, देखो चौथवी वचन क्या कहा गया, एक मिनट, उसके पास आकर, किसके, हेलो, नहीं 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 नहीं, फिर से पढ़ो चार चौथवा वचन, उसके पास आकर, हाँ, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, हाँ, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ, हाँ, और बहुमूल्य जीवन जीवता पत्थर, तो उसके निकट मतलब वो कौन है, है? यस, यीशु मसीह के निकट। शैतान आज भी कोशिश क्या कर रहा, हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए, हमें डाइवर्ट करने के लिए शैतान सब कुछ सोच रहा है। इसीलिए वो फाउंडेशन जो कलीसिया के फाउंडेशन में जुड़ित हैं उनको ही वो डाइवर्ट करने की देख रहा है। एक बिल्डिंग की एक पत्थर को अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक गड्ढा खोद दो, नहीं तो एक ईटा तोड़ दो, बाकियों का क्या होगा। हाँ, इसलिए पत्रस अच्छी तरीके से व्यक्त रीति से बताता है, हेलो तुम फाउंडेशन में बने हो, अविश्वास करके तुम क्या मत करो, इसको तोड़ मत डालो। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या बन गए, अरे बन एक घर बन जाने के बाद अगर कोई गड्ढा खोद दिया, नहीं तो ईटा को हटा दिया, वो ईटे को कहाँ लेके रखेगा, वहीं बाजू में कहीं रखेगा ना, तो जो कोई उस रास्ते से आएगा क्या करेगा, पांव लगकर गिर सकता है। अगर परमेश्वर के पास आश्रयवान नहीं है, परमेश्वर के साथ निकटी करीबी रिश्ता नहीं है, अगर परमेश्वर के फाउंडेशन से हम अलग हो गए तो हमारा परिस्थिति क्या है, डिसअपॉइंटमेंट। इसीलिए वाटिका से, एदन की वाटिका से आदम और हव्वा को निकालने पर उनके जीवन में क्या आ गया, डिसअपॉइंटमेंट, वो डिसअपॉइंट हो गए, तो भी जिए।
इसलिए आज सुबह के समय पवित्र आत्मा फिर से हमें याद दिला रहे, कभी भी परमेश्वर से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, अविश्वास के लिए हमें जगह नहीं देनी चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है शैतान को क्या मत दो, अवसर मत दो। हेलो, अब रोमियो का किताब नवा अध्याय उसका 32, रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 32। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं बल्कि मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे, उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। हेलो, किसके कारण? फिर एक बार 32वां वचन। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। हेलो, मानव कर्मों से किसकी खोज? हाँ, यहाँ पे प्रेज लॉर्ड बोलना है। मानव कर्मों से के परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, ये किसके बारे में बताएं? रोमियो का किताब नवा अध्याय इसराइलियों के बारे में बताया गया है। ओके, है ना? इसराइलियों के बारे में बताया गया, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज विश्वास से करनी चाहिए वो विश्वास से ना कर किससे कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं? कर्म, कर्म, वर्क, वर्क। हेलो, विश्वास से करना है और कर्म से करना दोनों अलग अलग है। डूइंग समथिंग थ्रू फेथ, डूइंग समथिंग थ्रू वर्क, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग है। विश्वास से करने के लिए हमें क्या जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत है, हाँ या ना? कर्म से करने के लिए किसकी जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मनमर्जी काफी है। वो मेरे साथ, लोग ऐसा तैयार हो गए थे कि इसराइली जो विश्वास से जीवन शुरुआत किया था उसको मनमर्जी के साथ चलवा रहे। मेरे साथ हो? द थिंग दे स्टार्टेड विथ फेथ, राइट नाउ दे आर प्रोसीडिंग विथ द मेरिट ऑफ वर्क। मेरे साथ में हो? जो चीज को विश्वास से शुरुआत की है वो विश्वास से ही आगे लेनी चाहिए थी, उस चीज को विश्वास के साथ ना लेकर, विश्वास मतलब क्या? परमेश्वर के ऊपर आधारित होना, परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान होना, परमेश्वर से कुछ पाना, परमेश्वर की कृपा अनुग्रह पाना, उस चीज से दोहरा के आगे लेने वाली चीज को बंद करके अपने खुद के परिश्रम से, अपने खुद के मनमर्जी से, परमेश्वर के ऊपर आधारित ना होकर बोलो क्या करना शुरू किए, काम करना शुरू किए। हेलो, उसके लिए उनके जीवन में क्या हो गया? वो लोग गिर पड़े, दे स्टंबल ओवर द स्टोन, यीशु मसीह के ऊपर ही वो लोग क्या हो गए, ठोकर खा के गिर गए। इसीलिए आज सुबह के समय में पवित्र आत्मा हमें याद दिला रही है, डोंट डिपेंड ऑन योर वर्क्स, तेरी क्रियाकर्म में विश्वास योग्य मत करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, स्टार्ट डूइंग इट ऑन फेथ। हेलो, मेरे साथ में हो? इसराइली लोगों को परमेश्वर क्या किए, आराधना दिए, मंदिर दिए, सब प्रकार के बलि अर्पण याग सब कुछ दिए, जो विश्वास से शुरुआत किए थे उसी चीज को बाद बहुत सालों बीत जाने पर विश्वास नहीं केवल एक रिलीजियस राइट के हिसाब से करने लगे, नहीं तो एक धर्म अनुशासन के हिसाब से करना शुरू किए। मेरे साथ में हो?
धर्म अनुशासन मतलब इसराइलियों को ऐसा था, बहुत सारे नियमों परमेश्वर इसराइलियों को दिए थे, वो सब कुछ एक एक पर्टिकुलर टाइमिंग में किया जाता था। साल में एक बार ये लोग कहां जाते थे? यरूशलेम जाते थे। ओके, उनके लिए चढ़ावा वगैरह वगैरह सब कुछ था, मगर वो सब कुछ वो लोग विश्वास करके परमेश्वर के ऊपर आधारित होके नहीं कर रहे थे, अपने मन मर्जी करना शुरू किए। इसीलिए यशायाह के किताब में 6 अध्याय में जो उज़िया राजा है, वो अपने मन मर्जी कहां पे घुस गया? परमेश्वर के मंदिर के अंदर घुस जाकर जो सेवकाई याजक करना था वो सेवकाई को किसने कर दिया? हेलो, मेरे साथ में हो? राजा को मालूम नहीं है क्या? तब उन जमानों के याजक लोग क्या बोले? राजा, तुम जो कर रहे हो ये गलत है। राजा की सेवकाई और याजक की सेवकाई दो दो भिन्न है। राजा परिपालन करने के लिए रखा गया, याजक परिपालन के लिए नहीं, लोगों को सचेतन देने के लिए, आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी देने के लिए, नहीं तो आत्मिक आशीषों को परमेश्वर की ओर ट्रांसफर करवाने के लिए, नहीं तो लोगों के अंदर की पाप तत्वों को याद दिलाकर परमेश्वर के साथ आधारित करने के लिए याजकीय सेवकाई दिया गया है। अगर अपने अंदर शुद्धकाई नहीं है वो कभी भी कहां पे नहीं जा सकता है? परमेश्वर के मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, अगर गया मौत भी हो सकता है। मगर उसिया राजा ने क्या किया? अपने मन मर्जी पर, अपने आश्रय बल शक्ति सामर्थ्य के पर बल पर इसने क्या किया? मंदिर के अंदर गया, बलि भी चढ़ाया, सब कुछ किया, वापस आते क्या मिला उसको? हेलो, वापस निकलते ही उसे क्या मिला? वो कुष्ठ रोगी बन गया। उसे कुष्ठ रोगी का पास्टर थे कौन? ऐसैया। प्रेज़ लॉर्ड, यहां पे बोल रहे हैं। हेलो, किसका पास्टर था? उस राजा का। किस राजे का? उसी राजा का फैमिली पास्टर था कौन? यशायाह। मेरे साथ में हो? इसलिए यशायाह की किताब 6 अध्याय पहली वचन का था, उसी राजा की मौत के समय, मौत के बाद यशायाह बोल रहा है, मैं अत्युन्नत परमेश्वर की सिंहासन देखा। तो मेरे बोले का जब मेरा सवाल, उसी एक राजा की मौत से पहले ये क्यों दर्शन नहीं देखा? हाँ, क्योंकि वो राजा को ही देख रहा था। समझ में नहीं आया? क्योंकि वो राजा को देखता था तो उसको परमेश्वर की देखने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के दर्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। उसका जो कुछ भी सप्लाई है, उसका जो कुछ भी जरूरत है, वो कहां से मिल रहा है? राजा के दरबार से मिल रहे, और क्या परमेश्वर की जरूरत? हेलो, डाइवर्शन कहां पे होता है शुरू कर लो। कहां पे हमें परमेश्वर से अलग होने के लिए शुरुआत होती है? बाहरी कोई चीज नहीं, अंदरी का चीज है, अंदर का ही चीज है। इसीलिए परमेश्वर क्या कर दिए? उज़िया का जान ले ली। जान लेने पर यशायाह को परमेश्वर के ऊपर आश्रय होना पड़ा, क्योंकि और सोर्स नहीं ना। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, हम जो वचन पढ़े उसको भूलना नहीं, जो चीज विश्वास से शुरुआत की उस चीज को क्रिया कर्म के साथ यशायाह पूरा कर रहा था। इसराइली भी ऐसे ही कर रहे थे, आज विश्वासी लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं।
इसीलिए ना लोगों को क्या चाहिए, क्रिसमस, और क्या चाहिए, गुड फ्राइडे, और क्या, और कुछ, और एक है ना वो, ये लेके जाते हैं, ईस्टर, बर्थडे, डेथ डे, वो डे, ये डे, ई डे, वी डे, सी डे, एक्स डे, वाई डे, जेड डे, सब कुछ है। वो सब क्या है, कर्म, कर्म। क्रिसमस के समय क्या करते हैं, वो क्या है, विश्वास के ऊपर करते हैं, घर पूरा पेंट मारते हैं, चूना मारते हैं, स्टार लगाते हैं, नया ड्रेस खरीदते हैं, वो सब क्या है, क्रिया है, उसमें कुछ भी विश्वास है क्या, और नाम पर प्रेयर भी रख देंगे, हेलो, नाम के वास्ते प्रेयर भी रखेंगे, लोगों को केक की भी बांटेंगे, सब कुछ करेंगे, किसके नाम पे, हेलो, किसके नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे, वो विश्वास वाली कुछ भी है क्या, उसमें कुछ भी हिस्सा है क्या विश्वास वाली, समझ में आ रहा है मेरे बात, कुछ भी है क्या उसमें विश्वास का, कुछ भी नहीं है उसमें विश्वास का, विश्वास से संबंधित कुछ है ही नहीं, सब कुछ क्रिया 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 क्रिया। इस तरीके से मसीह के लोग फंस गए हैं कि मसीह को भूलकर मसीहत के अंदर की श्रेष्ठता को भूलकर अपने क्रिया कर्म से परमेश्वर को क्या करना चाहते हैं, महिमा करने की सोचते हैं। ये भूल गए कि वो महिमा किसको जा रही है, वो ये लोग याद नहीं करते। ईस्टर और ये क्रिसमस की शुरुआत कहां से हुई, हेलो, ईस्टर और क्रिसमस की शुरुआत कहां से हुई, नहीं तो कहां से ये आया, ईस्टर और क्रिसमस जो है वो यीशु मसीह के जन्म से पहले ही था। कहां से आया, बाबिलोन से आया, हेलो, बाबिलोन, बाबिलोन, उत्पत्ति के किताब में ये लोग सब मिलके एक बड़ा सा चट्टान बनाए, बड़ा सा एक इमारत बनाए, याद है, शैतानिक शक्तियों के साथ मिलाकर, मिलकर शैतानिक शक्तियों के आश्रयवान, नहीं तो मेरे 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 को एक बात बोलो, अरे इतना ऊंचा चट्टान बनाना है तो ये ईटा कैसे ऊपर तक लेके जाएंगे, क्योंकि उल्पति के किताब में बताया गया कि वो इमारत इतनी ऊंची थी कि परमेश्वर को दिखाने के लिए इतना ऊंचा वो लोग बना के रखे थे, वो मेरे साथ, तो ग्राउंड फ्लोर से ऊपरी मंजिल तक ईटा गिट्टी विट्टी सब कैसे लेके जाते थे, वो मेरे साथ, कितना साल लगेंगे, हेलो, ये लोग उस काम को कैसे कर रहे थे, परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान होकर कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्रिया कर्म अपने मन मर्जी, तो इनका ऊपर अगर परमेश्वर का आश्रय नहीं है तो उसका ऊपर किसका आश्रय है, बोले नहीं, शैतान का। ऐसा है तो वो लोग उस बनावट को कैसे, शैतानिक तंत्र मंत्र के द्वारा उस चीज को शुरुआत किए, विश्वास कर रहे हो या नहीं, इसीलिए ना वो परमेश्वर को दिखाने के लिए इतना बड़ा इमारत बनाए, मगर उसको पूरा होने के लिए परमेश्वर नहीं दिए,
उससे पहले ही उसको क्या कर दिया परमेश्वर, तोड़ डाले। समझ में आ रहा है? अगर एक चीज को क्रिया कर्म के साथ करेंगे तो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस किसका है? हाँ, यहां पे प्रेस वर्ड बोलना है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करके, परमेश्वर के ऊपर आश्रय ना करके अपने मनमर्जी के हिसाब से क्रिया कर्म करेंगे, बोलेंगे पर नाम महिमा परमेश्वर की, मगर वो महिमा परमेश्वर को नहीं जाएगा, किसको जाएगा? तो हम किसके ऊपर गिर रहे हैं? यीशु मसीह के ऊपर गिर रहे हैं। यीशु मसीह हमें गिरवाने वाली स्थिति, इट्स अ स्टम्बलिंग ब्लॉक स्टोन विद जीसस इज बीन कन्वर्टेड। वो मेरे साथ, इसीलिए नया नियम में क्या बोलते हैं, बॉर्न अगेन बिलीवर्स को जो कुछ भी है सब कुछ विश्वास, विश्वास के आश्रय वाने, नया नियम का ही नहीं पुराना नियम का भी। इसीलिए हमें क्या नहीं है, क्रिसमस नहीं, बर्थडे नहीं, डेथ डे नहीं, रिमेंबरेंस डे नहीं, कुछ नहीं। हमको जो कुछ भी है वो सब कुछ ही हुई है। इसीलिए ना रेवलेशन क्या बोलती है, अल्फा और ओमेगा कौन है? हाँ, द स्टार्टिंग एंड द एंड यीशु मसीह है, शुरुआत और आखिरी यीशु मसीह है। तो ऐसा है तो बीच भी यीशु मसीह है, द स्टार्टिंग और द एंडिंग एंड द मिडिल इज ऑल्सो जीसस। ऐसा है तो यीशु मसीह के आश्रयवान ना होकर, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा ना करके कुछ भी ऐसा चीज हम अपने प्रयत्न से नहीं करें। बाइबल में एक ही चीज है जो मनुष्य को खुद करना जरूरी है, वो है बपतिस्मा। आया ना, बपतिस्मा है एक ऐसी एक चीज है जो एक क्रियाक्रम है। आया ना, बपतिस्मा एक क्रियाक्रम है, मगर वो काहे के लिए? वो यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाया जाना, जी उठना, इसके साथ हमें मिलाने के लिए वो एक प्रोसेस है। वो मेरे साथ, वो अनिवार्य है, वो सबके लिए जरूरत है, मगर बाकी जो कुछ भी आत्मिक चीज में है वो सब विश्वास के आधारित है। बपतिस्मा भी हमें विश्वास के साथ ही लेना चाहिए, वो भी अलग बात है, मगर उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रिया दिखाई देती है। इसलिए बहुत सारे लोग वो क्रिया होने के द्वारा लेने के लिए पसंद नहीं करते। समझ में आ रहे हो? बपतिस्मा क्रिया है बोलकर उस चीज को काम करने के लिए वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हेलो, वो मेरे साथ। इसीलिए आज सुबह के समय हमें याद कर लेना चाहिए वाले एक ही चीज, हम विश्वास के साथ क्या करें, अपनी जीवन को चलाने की कोशिश करें। वो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, दैट्स द थिंग परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए इधर बताया गया क्या है, नवा अध्याय 32वां वचन, रोमन्स 9:32। कर्मों से किसकी खोज? हाँ, इसीलिए स्टॉप डूइंग थिंग्स विथ वर्क, अपने क्रिया से काम करना प्लीज बंद कर दो, वो बिब्लिकल नहीं है। वो मेरे साथ।
वो बिब्लिकल है ही नहीं, वो उसमें परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं है। इसीलिए इसराइलियों को क्या बन गया, वो ठोकर का पत्थर बन गया, दे स्टम्बल्ड ओवर एंड फेल, वो लोग गिर गए। आज भी लोग गिर रहे हैं। इसीलिए पतरस बता रहा है, ये किसको, ये किस चर्च को बोल रहा है, रोमन चर्च को बोल रहा है। वो लोग भी गिरने के हिस्से से, वो लोग भी अपने जीवन को क्या कर रहे थे, अपने शक्ति सामर्थ्य के द्वारा काम करने का शुरुआत कर रहे थे। इसलिए वो लोग क्या बोल रहे थे कि हमें याजकीय सेवकाई चाहिए, सुन्नति लेना चाहिए, सर्कमसेशन करना जरूरी है, और मूसा की व्यवस्था हमें जरूरी है, पुराने नियम के बहुत सारे चीजों को ये लोग क्या कर रहे थे, अपने प्रयत्न के द्वारा, काम के द्वारा करना शुरू किए। कौन, बाहर के लोग नहीं, कलीसिया के अंदर के लोग, नहीं तो कलीसिया के फाउंडेशन में मिले हुए लोग, नहीं तो यीशु मसीह के साथ आश्रयवान हुए हुए लोग। समझ में आ रहा है, वो लोग खुद इस काम को करते वक्त पौलुस बता रहे हैं, इसराइलियों का उदाहरण देके परमेश्वर बताते हैं। इसीलिए नवा अध्याय पहली वचन, नौ का एक, देखो वो कहां पे कहे, मसीह में रुक कर मैं सच बोलता हूं, तो लोग कहां थे, झूठ में थे। उसके बाद मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में क्या दे रहा है, रिवीलिंग ट्रूथ। हेलो हेलो हेलो, साथ में हो, पवित्र आत्मा में रिवील भी जो कर रहा हूं वो क्या है, इट्स ट्रूथ। तो विश्वासी क्या बन गए, सत्य से अलग होना शुरू हो गए। अरे साथ में हो, सच्चाई से वो लोग क्या होना शुरू हो गए, अलग होना शुरू हो गए। इसीलिए वो क्या बन गए, गिरना शुरू हो गए, रिजेक्टेड होना शुरू हुए, वो लोग अपना जीवन नष्ट, नाश की ओर चलवाना शुरुआत कर दिए। उस दौरान कौन बोल रहा है, पत्रस बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, कम बैक, वापस आ जाओ, यीशु मसीह के निकट आ जाओ, विश्वास से अपने जीवन को शुरुआत करो। हेलो, आज भी कलीसिया के अंदर यही हो रहा है, यही चल रहा है। इसीलिए पत्रस भी वही याद दिलाया, पत्रस भी वही याद दिला रहे, कम बैक, वापस आ जाओ। हमें कलीसिया को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। कलीसिया का फाउंडेशन कौन, फाउंडर कौन है, परमेश्वर है। अपने क्रिया कर्म के साथ कलीसिया को क्या मत करो, बढ़ाने की कोशिश मत करो। कभी भी वो बढ़ेगा नहीं बोलकर नहीं बोलता, बढ़ेगा, मगर उसमें क्या नहीं होगी, परमेश्वर का डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, आश्रय नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर के दास जॉयल ऑस्टन वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कोई भी कलीसिया में आ सकता है, और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं मालूम करना कि वो 6 दिन क्या करता है, मुझे एक ही चीज मालूम है, 7वां दिन उसको कलीसिया आना है, वो ही मुझसे लेन देन। हेलो, ये मेगा चर्चेस का प्रोफाइल क्या है, क्या है उनका हिस्सा, दे नीड देम ओनली ऑन द संडे, उनको रविवार के दिन ही उनकी जरूरत है, नहीं तो स्पेशल मीटिंग्स कब है, नहीं तो उनका क्रूसेड जब है तभी उनकी जरूरत है, उसके बाद उनका कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए उनका मैसेजेस कैसा है, फील गुड मैसेजेस। फील गुड मतलब समझते हो, अपने आप को अच्छा महसूस दिलवाने वाला मैसेजेस, कहानियां, बहाने, ये सब बोलेंगे तो लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हो मेरे साथ।
मगर क्या हुआ, वो उनको स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहा है, वो कभी भी वो लोग जान नहीं पा रहे हैं, उनकी आत्मिकता उसमें उनके विश्वास कभी भी उनको बढ़ोतरी नहीं दे रही है, क्योंकि खुद के मनमर्जी के हिसाब से जो कुछ भी कर रहे हैं वो विश्वास के साथ आधारित है ही नहीं। इसलिए उनका जीवन क्या हो रहा है, आत्मिक रीति से नष्ट हो रहा है। दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, देयर लाइफ इज बीन गेटिंग पोल्यूटेड। इसलिए आज पवित्र आत्मा फिर से हमें याद दिला रही है कि हमें क्या करना चाहिए, फिर से वापस यीशु मसीह के निकट आना जरूरी है। हेलो आज विश्वास से हम कुछ ना कुछ करेंगे, विश्वास के द्वारा हमारा अपने जीवन को चलवाने की शुरुआत करेंगे। वो है कलीसिया की तत्व। इसीलिए हमारा खुद का प्रयोग के हिसाब से काम को नहीं करेंगे, परमेश्वर जैसा चाहते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर की मर्जियों को पूरा करके सब हिस्साओं को हम क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे और बताएंगे हम यीशु मसीह के उस जीवते पत्थर रिश्ता है, हमें परमेश्वर से कोई अलग नहीं किया, हमारा विश्वास आज भी क्या है, अटल है। वी आर स्ट्रॉन्ग इन अवर फेथ। इसीलिए एक और वचन पढ़ेंगे, पहली कुरिन्थियों 3:11, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 3:11। तीन का ग्यारह, तो छोड़ जो पर नहीं डाल। हेलो, यीशु मसीह ही है। हेलो, फाउंडेशन यीशु मसीह है तो बढ़ना भी यीशु मसीह में ही होना चाहिए। व्हेन द फाउंडेशन इज जीसस क्राइस्ट, इवन द ग्रोथ शुड बी इन जीसस क्राइस्ट। हेलो, इसलिए यहां कुरिन्थियों के किताब में 3 अध्याय में क्या बोलता है, तुम्हारा फाउंडेशन कौन बनाए, यीशु मसीह बनाए, तो उसी में हमको क्या करना चाहिए, बढ़ना जरूरी है। कौन, कलीसिया के लीडर्स, कलीसिया के विश्वासी। जरूरी है इन, नहीं तो मसीह तत्व में लाइकनेस। हेलो, क्यों फाउंडेशन परमेश्वर हमारे ऊपर डाले हैं, यीशु मसीह के ऊपर हमें क्यों फाउंडेशन डाल के रखें, ताकि हमारा बड़ो भी किसके साथ होना चाहिए। इसीलिए योहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में कहता है, मैं द्राक्षलता हूं, जो कोई और तुम डाली हो, द्राक्षलता डाली के साथ मिलने से ही उसका क्या होगा, उन्नति होगा, बढ़ोतरी होगा। अगर नहीं, जो फाउंडेशन परमेश्वर हम बार आज फिर से दोहरा के सोच के देखेंगे, मैं उसी फाउंडेशन में विश्वास के साथ बढ़ोतरी पा रहा हूं क्या, मसीहत में मैं बढ़ रहा हूं कि नहीं, ना किसी और चीज मुझे बढ़ा रहा है, ना परमेश्वर से मैं अलग हो गया हूं। हेलो,
इसीलिए हमें कलीसिया की जरूरत है, इसीलिए हमें सौभाग्यता की जरूरत है, इसीलिए हमें आराधना को जाने की जरूरत है, इसीलिए हमें कलीसिया के साथ जुड़े मिले रहना जरूरी है, क्योंकि वहीं पे हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, रीचेकिंग करने के लिए टाइम मिलेगी, वैल्यूएशन करने की। इसलिए विश्राम, काम करो, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए डील। आदम काम करते वक्त ही उसके अंदर क्या हो गया, शैतानिक प्रभाव काम करना शुरू किया, व्हेन ही वाज वॉकिंग, जब वो रेस्ट में था परमेश्वर के साथ, तब उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। इसीलिए एक वर्क के बाद एक रेस्ट की जरूरत है, वो रेस्ट यीशु मसीह से हमें मिलता है। हफ्ते के 6 दिन वर्क करो, 7वां दिन रेस्ट, क्या कितना घंटा, 24 आवर्स। मेरे हिसाब से पूरा 24 आवर्स चर्च में रुके है। हफ्ते में 24 आवर्स देना बड़ा मुश्किल बात है क्या? एक हफ्ते में 24 घंटा देना, हेलो, 7 दिन 6 घंटा, 6 दिन लेने से कितना होता है, 144, 144 घंटे, 144 घंटे में देते हैं क्या? हेलो, ब्रेक, मेरे साथ में हो? हो मेरे साथ? 144 आवर्स, छह दिन पूरा वर्क, नो प्रॉब्लम, बट टेक टाइम, समय लो। जो 7वां दिन रेस्ट की दिन, उस दिन पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए देने की शुरुआत करो। ठीक है, पूरा दिन भी नहीं दिया तो दिन में कुछ हिस्सा काट के रखो, ताकि आत्मिक चीजों में बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ोतरी पा रही है कि नहीं, उसके बारे में परीक्षा लेने के लिए आओ, रिटर्न बैक, मसीह में वापस आ जाओ। आइए आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरे वचनों के साथ परमेश्वर कलीसिया के बारे में, कलीसिया के योगदान के बारे में हमने सीखा परमेश्वर, वो हमारे जीवन में बहुत अधिक काम करने के लिए सहायता दिलवा दी परमेश्वर। हमें आत्मिक रीति से अलग करने वाले सब शैतानिक शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में दूर कीजिए। हम विश्वास के साथ जिएंगे, हम अपने शरीर प्रयत्न के साथ कुछ भी काम नहीं करेंगे परमेश्वर, विश्वास के आधारित होकर परमेश्वर के वचन के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर बने रहेंगे, मसीहत के फाउंडेशन में रुके रहेंगे, अटल रहेंगे, कभी भी इधर या उधर हटेंगे नहीं। यीशु मसीह कभी भी हमारा स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बने, उस रीति से हमें चलाइए, उस रीति से उस फाउंडेशन के साथ मजबूत रहने के लिए हमें सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।